हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो वीडियो है ये मैंने बनाया है सिर्फ कीको मिलानो के मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं इस मेकअप लुक में, और मैंने कट क्रीज आई मेकअप किया है, कट क्रीज विद हेलो आई मेकअप। और ये जो लुक है आप पार्टी में या एज अ वेडिंग गेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरा चैनल और भी इस तरह के मेकअप के वीडियोज़ के लिए। और मुझको आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखे हैं, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। साथ में जो मैंने कीको मिलानो के प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं इनका भी मैंने वहाँ पर ही लिख दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जैसे ही आप टाइटल पर क्लिक करेंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख जाएगा। और कीको मिलानो का मैंने इंस्टाग्राम पेज भी नीचे लगा दिया है, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खरीदे जो भी कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो मेरे खुद के हैं, कुछ ऐसा ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आईब्रो पेंसिल ली है और इसका नाम है आईब्रो स्कल्प्ट, और इस तरह की है ये। और इनके कई आईब्रो पोमेड वगैरह भी हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी अच्छे हैं। और अब ये कंसीलर लिया है मैंने और इसको मैं आईब्रो के जस्ट नीचे हल्का हल्का सा लगा रही हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसको पूरी आईलेट पर और क्रीज पर मैं इसको लगा रही हूँ अच्छे से। और अब ये मैंने शेड लिया है और ये कीको मिलानो का हॉलीडे पैलेट है, तो इस शेड को मैंने लिया है और ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, और मैं इसको क्रीज में लगा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा कलर लेकर हम इसको थोड़ा सा डार्क करते जाएंगे। अब ये शेड लिया है मैंने और इसको मैं जो कलर हमने पहले लगाया है उसके जस्ट ऊपर मैं लगाकर और इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और सेम कंसीलर मैंने लिया है अब, और यहाँ पे मैंने क्रीज ऐसे कट कर लिया है, और इस तरह से जहाँ पर भी कलर दिख रहा है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा कंसीलर लगा के और उसको ब्लेंड कर देंगे। और अब ये वाला शेड लिया है मैंने और ये थोड़ा सा ग्रेइश ब्राउनिश टाइप का शेड है, तो इसको मैं आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर दोनों तरफ मैं इसको लगा रही हूँ, आउटर और इनर थर्ड, तो दोनों तरफ इनको मैं लगा रही हूँ। और अब ये मैंने गोल्डन शेड लिया है इसमें से, और बहुत ही सुंदर मेटालिक गोल्डन शेड है ये, तो इसको मैं सेंटर में लगा रही हूँ एक हेलो आई बनाने के लिए। तो छोटा ब्रश लिया है जिससे कि ये एजेस पे अच्छे से लग जाए, और क्योंकि ये काफ़ी मेटालिक है शिमरी सा है तो उंगली से ज़्यादा अच्छे से ये लगकर इसका पिगमेंटेशन ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो उंगली से करके और बाद में हल्का हल्का इस तरह से ब्लेंड कर देंगे इसको। और अब ये लाइनर आप देख रहे हैं इनका, तो ये बहुत ही अजीब सा चिप चिप टाइप का है और लगाने के बाद में भी ये बहुत देर में ड्राई होता है, तो ये मुझको इतना अच्छा नहीं लगता। ये जो जेल लाइनर है इनका ये बहुत अच्छा है, तो उस लाइनर की जगह पर मैंने यहाँ पे एसेंस का लाइनर लगा लिया है, क्योंकि फिर लुक ख़राब होता, उतना अच्छा लाइनर वो है नहीं, और भी कई लाइनर हैं इनके पास में वो ज़्यादा अच्छे हैं, तो सिर्फ ये लाइनर अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो लाइनर मैंने ट्राई करे थे वो अच्छे लाइनर हैं। जेल लाइनर मैं काफ़ी वीडियोज़ में यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा जेल लाइनर है इनका। तो यहाँ पे मैंने मस्कारा भी लगाया था और अभी मैंने लैशेस लगाई हैं, और ये बेपोलन की लैशेस थी। और ये मैंने अब लगाया है प्राइमर, और मैट प्राइमर है ये और काफ़ी अच्छा प्राइमर है ये। और जो फाउंडेशन वाली जो मेरी क्लिप थी वो ख़राब हो गई, तो उसको मैं नहीं यहाँ पे दिखा पाई हूँ, ऑल्दो मैंने कीको का फाउंडेशन कई और वीडियोज़ में यूज़ करा है और बहुत ही अच्छा फुल कवरेज फाउंडेशन है ये। सिर्फ इसमें शेड्स थोड़े से कम हैं, शेड्स की रेंज थोड़ी सी कम है, अदरवाइज़ ये जो फाउंडेशन है मुझको काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे सेम कंसीलर मैंने यूज़ करा है जो पहले किया था। और अब ये पाउडर लिया है मैंने कॉम्पैक्ट कीको का, और इसको मैं लगा रही हूँ, तो अंडर आइज़ मैं इसको लगा रही हूँ सबसे पहले, ऑल्दो मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। आप जब भी आप मेकअप करें अंडर आइज़ हमेशा आप लूज़ पाउडर लगाइए, उससे क्रीजिंग बिल्कुल नहीं होती है और बहुत ही अच्छे से अंडर आइज़ आपका जो कंसीलर है वो सेट होता है। और यहाँ पर मैंने ये लिया है इनका कॉन्टूरिंग स्टिक और नोज़ पर इसको लगाकर और मैं इस तरह से इसको ब्लेंड कर रही हूँ,
और इसके ऊपर भी मैं कॉम्पैक्ट यहाँ पे लगा लिया है मैंने, और पूरे फेस पर अब मैं सेम कॉम्पैक्ट उसको मैं लगा रही हूँ। और आईज पर हम दोबारा से वही शेड्स लगाएंगे, सबसे पहले जो पिंक वाला शेड था वो लगा रही हूँ मैं, और इसके ऊपर जो मैंने बाद में लगाया था ग्रे ब्राउन वाला शेड वो लगा रही हूँ, और इसको हम यहाँ पर थोड़ा ब्लेंड कर देंगे। और अब ये शेड लिया है मैंने और इसको मैं इनर कॉर्नर में लगाऊंगी, और ये भी बहुत ही, ये पैलेट जो है बहुत ही अच्छा और पिगमेंटेड पैलेट है, जैसे कि आप देख रहे हैं जो भी शेड्स वगैरह हैं बहुत ही अच्छे और पिगमेंटेड हैं। और ये सेम शेड जो इनर कॉर्नर में लगाया था वो मैंने लगाया है आईब्रो के नीचे। और ये न्यूड पेंसिल ली है मैंने अब, और 02 नंबर में है ये स्मार्ट न्यूड पेंसिल, और यहाँ पे मैंने मस्कारा लिया है, और ये मिनी डिवाज इस मस्कारे का नाम है। बहुत सारे कई तरीके के मस्कारा हैं तो आप देख सकते हैं। और अब ये पैलेट लिया है मैंने, स्मॉल पैलेट, तो इसमें से मैंने ब्रॉन्जर लिया है, और इसी में से बीच वाला मैंने ब्लश लिया है, और इसके बाद मैं इसी में से हाइलाइटर भी लूँगी। ऑल दो अलग से भी जो हाइलाइटर आते हैं कीको मिलानो के, वो बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे हाइलाइटर है। मैंने एक दो हाइलाइटर अपने सिस्टर को दिए हैं तो वो यूज़ करती है, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। ये वाला हाइलाइटर भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इसी को मैं नोज़ पर लगा रही हूँ। और कीको में जो है बहुत डिस्काउंट वगैरह बहुत आते हैं, 70% दो के साथ दो प्रोडक्ट्स, तीन के साथ तीन, इस तरह की बहुत सी डील आती रहती हैं, तो वो आप ज़रूर चेक करते रहिए। और इनकी जो स्मार्ट वाली रेंज है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, तो उसमें आपको बहुत अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। लिपस्टिक्स वगैरह की भी बहुत अच्छी रेंज है। तो यहाँ पे मैंने मैट लिपस्टिक लगाया था, और अब मैंने सेटिंग स्प्रे लगाया है, और बस यहाँ पे मेकअप फिनिश है। और ये नेल पॉलिश ली है मैंने कीको की, और बहुत ही सुंदर कलर है, बहुत सारी नेल पॉलिश मेरे पास हैं कीको की, तो ज़रूर आप चेक करिएगा। और बस पूरा का पूरा लुक यहाँ फिनिश। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो, और मुझको आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।